उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज़िले में कोरोना वायरस की जांच के लिए बनाए गए लैब की प्रगति की जानकारी हासिल की और कहा कि प्रत्येक लैब टेक्नीशियन को प्रशिक्षित किया जाए तथा सभी बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर संक्रमण से बचा जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें मेडिकल इन्फेक्शन, जहाँ तक मुझे याद है, आगरा मेडिकल कॉलेज में 8 लोग इससे ग्रसित हुए हैं और कहीं किसी मेडिकल कॉलेज से ऐसा समाचार आई है। जब आप होटल में जाते हैं, गेस्ट हाउस में जाते हैं, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। आगरा में एक रेजिडेंट सिर्फ इसीलिए ग्रस्त हो गया, जब वो होटल में तपस्या है, इस तपस्या में सोशल डिस्टेंसिंग बना के पैसिव प्रोटोकॉल में जब हमारे लोग होटल्स में है वो मेंटेन करना होता। प्रोफेसर आर के सिंह एक हीरो फिगर बन चुके हैं और आप लोग के यहाँ भी इंचार्ज ट्रेनिंग और उनकी टीम का काम जो है बड़ा थैंकलेस काम है। एक कमरे में एक मशीन पर घंटों जो है बताना, समझाना, उसी ड्रिल को बार बार रिपीट करना, उनको जरूर सम्मानित करें क्योंकि उसका काम सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग 7 तरीके की ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ से दी है, उस पर है कि स्वीपर्स और वार्ड बॉयज की ट्रेनिंग का मॉड्यूल दिया गया है, ये ट्रेनिंग सबकी जरूर कराइए, बार बार कराइए, एक एक आदमी की कराइए, इसमें जरा सा भी कहीं कोई गुंजाइश। मेडिकल इन्फेक्शन फैल गया और फिर वहां से कन्नौज, मैनपुरी, ये जिले जहां पर बिल्कुल कोरोना वायरस नहीं था, वहां कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना और कल बेटा जिला भी प्रभावित हो गया। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल इन्फेक्शन का काम हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस जो दोनों तरह के हैं वहां पर आपको देखना है, हमें देखना है। कल एक पेशेंट कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर में आया, शाम को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और फीवर था, कुछ हार्ट की बात बताई उसने, एल्डरली पेशेंट था, एडमिट हुआ, 1 घंटे के बाद वहां से डिस्चार्ज करके उसको कानपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, नहीं वेंटिलेटर पर रखा गया और जब वो कार्डियक इंस्टीट्यूट से मेडिकल कॉलेज पहुंचा तबीयत और बिगड़ी और फिर बाद में डायग्नोसिस कोविड पॉजिटिव के रूप में अगले दिन आई। उसकी डेथ परसों रात में 11:40 पर हुई। तो कानपुर मेडिकल कॉलेज में तो चूंकि वो कोविड प्रोटोकॉल में गया तो वहां कोई इन्फेक्शन प्रिवेंशन की स्थिति नहीं आई, लेकिन कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जहाँ वो एक कार्डियक केस के रूप में गया और वहां उसको एक वार्ड में भर्ती किया गया जहां पर 2 मरीज और भी उस वार्ड में भर्ती थे, जिसको रेजिडेंट्स और टेक्नीशियंस कुल 5 लोगों ने क्लोज कॉन्टैक्ट में देखा, इनको हमें क्वारंटाइन में डालना पड़ा और वो सैनिटाइज करना पड़ा, वार्ड बंद करना पड़ा। वो 2 मरीज डिस्चार्ज हो गए थे, डीएमएसपी से कॉन्टैक्ट करके उन मरीजों को पकड़वाया गया और आई होप कि वो अब आइसोलेशन में उनको भर्ती कर दिया गया है। तो ये तो गनीमत रही कि यार कॉन्टैक्ट बहुत लिमिटेड था, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्टैक्ट बहुत वाइडस्प्रेड हो जाए। आपने ऑपरेशन कर लिया, आपने उसके बाद उसको रख दिया जहां 10-20 मरीज बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में उसके आ गए, वो कई दिनों तक भर्ती रहा, तो मास स्केल पर सोशल इन्फेक्शन हो सकता है, पूरा का पूरा अस्पताल बंद करना पड़ सकता है। जैसे 12 हॉस्पिटल जैसे 4-5 अस्पतालों में वेस्टर्न यूपी में हो चुका है, यहाँ पर आम जनता अगर कोई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी बंद हो जाती है, किसी मेडिकल कॉलेज का ऑब्स्टेट्रिक्स बंद हो जाता है, किसी मेडिकल कॉलेज की डायलिसिस बंद हो जाती है, किसी मेडिकल कॉलेज का कार्डियोलॉजी और ट्रॉमा बंद हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं उसका कितना भयावह प्रभाव पड़ेगा आपके मन पर। इसलिए हमारे लिए आज जब हमको ये लॉकडाउन का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला, देखिए लॉकडाउन आपका हम सबको पूरी मेडिकल टीम को एक अवसर दे रहा है कि हम लोग अपने व्यवस्थाओं को, अपने सिस्टम्स को रोबस्ट करें, प्रोटोकॉल्स को एनफोर्स करें, कुछ आगे केसेस की संख्या बढ़े। आगरा डिस्ट्रिक्ट में
हालत ये हो गई कि हमारे आइसोलेशन बेड्स फुल हो गए और फिर आज सुबह 20 मामलों को फिरोजाबाद के एमएस मेडिकल कॉलेज ये क्या स्थिति है, इसको देखना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी लगभग 5000 आइसोलेशन बेड्स का टारगेट बनाया, यद्यपि केवल 10% 500 बेड भरे हैं, लेकिन कुछ जिलों में तो बिल्कुल खाली और कुछ जिलों में ये सैचुरेट होने की स्थिति में आ रहे हैं। आगे निरंतर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी तो जो ये बेड्स हैं इनकी प्रिपेयरनेस के बारे में हम लोगों को कई एंगल से चर्चा करनी है, जिस पर मैं अभी आगे बात करूंगा। कुल मिला के लगभग दर्जन भर पॉइंट्स हैं मेरे पास जिस पर हमें बात करनी है, 2.25 घंटे का समय मेरे पास है। सबसे पहले ये जो इमरजेंसी है इस पर हमने एक शासनादेश निर्गत किया था, जैसे ही कोई इमरजेंसी में आता है उसके बाद प्रोटोकॉल क्या होगा। हर केस को मान के चलना है कि ये कोरोना पॉजिटिव, स्क्रीन करना है, स्क्रीन करने के बाद अगर उसमें जरा सा भी शक होता है कि कोरोना पॉजिटिव हो सकता है तो रेड चैनल में डाल देंगे, और अगर ये है कि हाँ ये ठीक है तो ग्रीन चैनल में डालकर नॉर्मल इमरजेंसी की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा।